वजदान, तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहते हो? यकीनन आपको खुश देखना चाहते हो। अपने पापा की दुआएं मेरे बगैर नहीं जा सकती, मैं नहीं जाऊंगी। चले जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी से निकल जाओ, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। कैसा ये इश्क या रब्बा। वजदान तुम्हें खाली हाथ जाना होगा। ये सब तुमने नहीं कमाया है, ये मेरी मिल्कियत है। इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ रहे हो? तुम क्या समझते हो तुम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हो? तुम्हें सब पका पकाया मिल गया है, इसलिए बड़ी शान आ गई है तुम। अरे दर दर की ठोकरें खाओगे तुम, फिर लौट कर आओगे, भीख मांगोगे। बस करे ना रुसा बाजी, बस करे। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ वजदान, तुम इसको तलाक दे दो तो तुम वापस आ सकते हो उस घर। जाओ, देखती हूं मैं भी किसके आगे हाथ फैलाओगे तुम। अरे भीख मांगोगे। वो चला गया, वो चला गया, अब क्या होगा? वजदान, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं छत मिल जाएगी। भरोसा रखो, प्लीज हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ हमारा कोई नहीं, यहाँ हमारा कोई नहीं। Let's go. Thank you.
क्या बेवकूफ वाली हरकत कर रही है तुम? क्या करने जा रही थी तुम? तो और क्या करूं मैं? यहां वजदान ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। आपने देखा नहीं, कर ली ना उसने पारसा से शादी। अरे शादी हो गई तो क्या हुआ, तलाक भी तो हो सकती है। कभी तो अपने दिमाग से काम लिया करो। कैसे करूं मैं इस्तेमाल दिमाग? और उषा खाला ने भी तो उसे तलाक देने का कहा था। उसने उनकी बात तो मानी नहीं, आपकी बड़ी सुनेगा? सुनेगा, जरूर सुनेगा। मैं उरुसा खाला नहीं हूं, मेरा नाम अजरा है। अजरा, जो दिल में एक दफा ठान लू ना, वो करके ही दम लेती हूं। क्या क्या करेंगी आप? देखती जाओ तुम कि मैं क्या करती हूं। उरुसा बाजी के जख्मों पर मरहम मैं अपने हाथों से लगाऊंगी, मगर अलग अंदाज से। ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना है। सब काम सोच समझ के करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहां बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। मुझसे और नहीं चला जाएगा, मैं बहुत थक गई हूँ। चलें चलकर कुछ खा लें। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलें ना प्लीज। तुम दोनों खा लो, मुझे भूख नहीं है। अगर आपको इतना ही दुख है तो उसे घर से क्यों निकाला? किसने कहा कि मैं दुखी हूं? आप कुछ छुपा नहीं सकते, आंखें सब कह देती हैं। औलाद चाहे नेक हो चाहे ना फरमा, मां अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाह सकती। एक माँ ही है जो अपनी औलाद की हर खता माफ कर देती, लेकिन वजदान ने जो कुछ किया उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ी। जब आपने कह दिया कि माँ माफ कर देती है, तो फिर सजा कैसी? वजदान को कुछ घंटों में ही एहसास हो जाएगा कि वो अपनी माँ के बगैर कुछ नहीं, और एहसास होना चाहिए उसे। वो पल की मोहब्बत के लिए उसने जिंदगी भर की ममता को ठुकरा दिया। बरसों मैंने उसको माँ और बाप बनकर पाला, खत हो गया माँ का प्यार, बाप की सख्ती का वक्त।
मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी अजरा। शाहजी की बेटी पार्था मुझे दिखती है। मुझे भी यही लग रहा था। चलो गाड़ी में बैठो। सर हमने किया क्या? दादा बात नहीं, मैंने आपसे बोला है चलो गाड़ी में बैठो। सर आप शायद गलत समझ रहे हैं, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने निकाह किया है। मेरा नाम वजदान है, मैं शाह साहब का पड़ोसी हूँ। क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला मैं करूँगा। चलो गाड़ी में बिठाओ इसको। कैसे लेकिन हमने कुछ किया नहीं। पार्था आप कैसे हमें यहाँ पे लेके जा। हेलो, आपकी बेटी पार्सा मिल गई है, वजदान के साथ है। वो कहती है कि हमने निकाह कर लिया है। इंस्पेक्टर साहब, पार्सा से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बराए मेहरबानी उनके सिलसिले में आप हमें दोबारा फोन ना करें। जैसे आपकी मर्जी शाह साहब। इन्हें छोड़ दो। शाहजेब क्यों मुझे इस वक्त कॉल कर रहे हैं? हेलो, कैसी हो इफ़त? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ मैं ठीक हूँ। पार्सा किधर है? पार्सा क्यों, आप क्यों पूछ रहे? बिलाल बहुत अपसेट है, मुझे बता रहा था कि वो उससे फोन पर बात भी नहीं कर रही। इफ़त तुम उसे समझाओ, मंगेतर हैं वो दोनों। मैं नहीं कैसे बताऊं कि वो अब बिलाल के मंगेतर नहीं है, बल्कि वजदान की बीवी बन चुकी है। चाहकर भी मैं ये नहीं बता नहीं सकती। हेलो, आर यू देयर? जी वो दरअसल पार्सा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। अच्छा मैं घर में बता देता हूँ फिर। नहीं नहीं, अब घर में सबको बताने की क्या जरूरत है, इस तरह से तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। ओके टेक केयर। पार्सा भी हम सबको किस मुसीबत में डाल गई है, अल्लाह जाने अब आगे क्या होगा।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। सुबह उठे तो मैं कुछ करता हूँ। लगी होगी मैं कुछ खाने के लिए लेकर। Yeah, Ishq Ya Rabba।